बार मोरटक्का पुल बंद होने के चलते अब निगाहें हुई पुल की ओर। आमजन इन दिनों मोरटक्का पुल बंद होने के चलते बीते कई दिनों से परेशान है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही लोड टेस्टिंग के बाद पुल पर आवागमन शुरू किया जा सकता है। इधर पुल के बार बार बंद करने के चलते आमजन निर्माणाधीन नए पुल से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। फोर लेन निर्माण की रफ्तार के साथ ही कटघड़ा में बन रहा नए पुल के लिए पिलर तैयार होने लगे हैं। यहाँ कटघड़ा की ओर एक दर्जन से ज़्यादा पिलर तैयार हो चुके हैं। समय पर पूरा करने के लक्ष्य को लेकर चल रही निर्माण कंपनी के कर्मचारी दिन के साथ ही कभी कभी रात में भी इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही नर्मदा नदी के अंदर भी पिलर बनना शुरू हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में नर्मदा का जल स्तर सामान्य से ज़्यादा होने के चलते फिलहाल नदी के बाहर आने वाले पिलरों को तैयार करने को लेकर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। इसके बाद जब नर्मदा का जल स्तर कम होगा तब नर्मदा नदी के अंदर आने वाले पिलरों को खड़ा किया जाएगा। जानकारी अनुसार काम की गति देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काम तकरीबन तय समय पर पूरा हो सकता है। जलस्तर कम होने के बाद नदी के अंदर लगेंगे पिलर। पुल के लिए तैयार हो रहे पिलरों का काम मुख्यतः अभी कटघड़ा में नदी के इस ओर ही हुआ है। इसके बाद पिलरों का निर्माण अब नदी के अंदर भी होना है, लेकिन बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद अभी भी नर्मदा का जलस्तर काफ़ी बड़ा हुआ है। जानकारी अनुसार नदी के अंदर पानी का स्तर कम होते ही नर्मदा नदी के बीच पिलरों का निर्माण कार्य किया जाएगा। बड़वा से कपिल वर्मा की रिपोर्ट।